इंटरचेंज के ऊपर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा आज के लेटेस्ट व्यूज हैं 27 फरवरी। यहाँ के लेटेस्ट व्यूज शूट जिसके ऊपर अभी स्टील बैंडिंग का काम चल रहा है, कोशिश करूंगा मैं वहां से तमाम व्यूज शूट करके अपने अपडेट करना चाह रहा हूँ। शाह फैसल ब्रिज के टॉप पे जो था वो अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आतिफ हम बताएंगे चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मैं सर जिस लोकेशन पे मौजूद हूँ ये मली रेक्टिफायर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है और यहाँ पर शाह फैसल इंटरचेंज बनने जा रहा है। इस इंटरचेंज के बारे में पहले भी अपडेट आप लोगों को कर चुका हूँ, आज मैं यहाँ दोबारा आया हूँ यहाँ के लेटेस्ट व्यूज शूट करने के लिए। लेटेस्ट अपडेट में आपको बता दूं शाह फैसल इंटरचेंज के ऊपर जो डेक स्लैब की पोरिंग थी वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। मैं इस पर बिल्कुल फैसल इंटरचेंज के ऊपर मौजूद हूं और यहां पर मैं आपको दिखा दूंगी यहां डेक स्लैब की पोरिंग हो चुकी है, 3 पार्ट्स की पोरिंग हो चुकी है, काम चल रहा है। हवा बहुत तेज है, आवाज लाजमी इंटरप्ट करेगी, इसके लिए मैं पेश की माजरत। और इस वक्त मैं आपको डेक स्लैब की पोरिंग दिखा दूँ और इस वक्त मैं यहाँ से चलता हुआ दूसरी साइड की तरफ उतरता जा रहा हूँ। पिछले 4 दिनों में इस तरह मैंने कहा था कि मुझे अंदाजा हो रहा था कि तमाम 8 की 8 स्लैब एक साथ पोर करेंगे, 6 स्लैबें पोर हो चुकी है सामने आपके सामने इंटरचेंज भी नजर आ रहा होगा और बाकी 2 स्लैब के ऊपर फिलहाल डेक स्लैब पे काम चल रहा है। पानी वगैरह यहाँ लगाया जा रहा है, क्यारियाँ बनाई जा रही हैं और ये आपके सामने यहाँ की प्रोग्रेस। मैं इस वक्त शाह फैसल इंटरचेंज आसानी से पैदल अबूर करता हुआ एक साइड से दूसरी साइड की तरफ आ चुका हूँ। ये दोबारा मैं आपको दिखा दूँ ये शाह फैसल इंटरचेंज और इस वक्त मैं इस लोकेशन पर मौजूद हूँ तुरंगी EBM की तरफ जा रहा है। इस वक्त टीम यहाँ मौजूद है, शटरिंग का काम यहाँ कर रही है, स्क्रैप होल्डिंग का काम भी चल रहा है, स्टील बैंडिंग का काम भी चल रहा है, बड़ी तादाद में यहाँ पर टीमें मौजूद हैं और इस पर यहाँ काम कर रही हैं। आपके सामने यहाँ के लेटेस्ट न्यूज है। ये मैं शाह फैसल इंटरचेंज के स्पॉट पर मौजूद हूँ जिसकी मैंने पहले भी अपडेट की थी कि ये काम इसके ऊपर अभी इसके डेक स्लैब का काम बाकी है। ये सामने शाह फैसल ब्रिज और ये सराउंडिंग जिससे कवर लीफ है उसके ऊपर भी काम चल रहा है। इस वक्त यहाँ पर टीम इस पार्ट के ऊपर भरपूर तरीके से काम कर रही है, बड़ी तादाद में टीम मौजूद है जो कि स्कैप फोल्डिंग का काम कर रही है। डिवाइडिंग वॉल इसकी भी भराई हो चुकी है, इसकी इस वक्त शटरिंग खोलने का काम ये टीम यहाँ पर कर रही है। ये आज के लेटेस्ट व्यूज हैं 27 फरवरी और तकरीबन 10 बजे का टाइम है और यहाँ पर आपके साथ के सामने तमाम लेटेस्ट व्यूज। मेरी कोशिश रहती है कि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो तमाम आप लोगों से शेयर की जाए। बहुत अच्छी डेवलपमेंट रही है पिछले 4 दिनों में, के अभी उस पार्ट के ऊपर जा रहा हूँ जिसके ऊपर अभी स्टील बैंडिंग का काम चल रहा है, कोशिश करूंगा मैं वहां से तमाम व्यूज शूट करके अपने व्यूअर्स को मजीद अपडेट कर सकूँ। डेक स्लैब की पोरिंग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हो गई है, बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट रही है। हवा बहुत तेज़ है, आवाज़ बार बार आप लोगों को प्रॉब्लम होगा सुनने के हवाले से, उसके लिए मैं माजत खाऊँ। ये सब इस 14 पार्ट के ऊपर काम चल रहा है डक स्लैब के हवाले से, स्टील बैंडिंग यहाँ चल रही है, बकाया 3 जी डक स्लैब की पोरिंग हो चुकी है और इस 14 पार्ट के ऊपर काम चल रहा है। मैं इस वक्त शाह फैसल इंटरचेंज के बिल्कुल टॉप पे मौजूद हूँ और उसको क्रॉस करता हुआ जा रहा हूँ, यहाँ से अगर आपको देखा जा सके।
बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है, काबिल तारीफ है। ये एक बहुत बड़ा कदम था, एक बहुत बड़ा ये एक काम कहा जा रहा था, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की टीम ने बड़े सक्सेसफुली तरीके से कंप्लीट कर दिया है। मैं दोबारा सराउंडिंग के व्यू दिखा दूँ, ये डक स्लेब सामने शाह फैसल ब्रिज, और ये आपके सामने यहाँ के व्यूज, इस तरह यहाँ पर टीम काम कर रही है 14 पार्ट के ऊपर। कराची शहर में हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं ये कवर लीफ की कुछ रूल शूट करने के लिए आया हूँ। आप ऐसे भी आपको नज़र आ रहा होगा कवर लीफ पे टीम इस वक्त कर रही है। सराउंडिंग के बारे में आपको दिखा दूँ, कॉलम्स के कैप के ऊपर भी काम जारी है, सामने लगी भी काम कर रही है। मैं मस्जिद आगे की तरफ को चलूंगा, ये सर मैं इंटरचेंज के पास मौजूद हूँ। इसकी बैक फिलिंग, इसकी अर्थ फिलिंग के हवाले से भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। यहाँ पे मैं व्यूज दिखा के आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि कितनी यहाँ पे अर्थ फिलिंग हो चुकी है और कितनी रहती है। ये साइड कायदाबाद की तरफ को जा रही है और ऑपोजिट में आ जाऊं तो ये आपका इंटरचेंज आ गया है, और वही बैक फिलिंग अर्थ फिलिंग की मैं बात करूं तो 4-4.5 फुट की अर्थ फिल अभी भी बाकी है। अब हम बासानी यहां से उस साइड पे जा सकते हैं, शाह फैसल ब्रिज को अब बासानी ऊपर से क्रॉस किया जा सकता है। ये आज के सपोर्ट का बेहद शुक्रिया, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी उसके लिहाज से लाजमी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसका आंसर दे दूंगा। ये शाह फैसल इंटरचेंज के व्यूज में यहाँ नीचे से शूट कर रहा हूँ, और आप तमाम लोगों को यहाँ से भी मजीद अपडेट करना चाह रहा हूँ कि शाह फैसल ब्रिज के टॉप पे जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो चुका है और साइड की भराई भी हो चुकी है। मैं इस वक्त इस पार्ट पे आके खड़ा हुआ हूँ जो कि शाह फैसल कॉलोनी की तरफ से रास्ता आ रहा है, और यहाँ पर अर्थ फिलिंग का काम फिलहाल आज तो नहीं चल रहा, लेकिन सराउंडिंग के मैं व्यूज आप तमाम लोगों को दिखा दूँ। ये यहाँ के व्यूज हैं, शाह फैसल ब्रिज आपके सामने है, शाह फैसल इंटरचेंज सारी अपडेट मैं कर चुका हूँ, ये सराउंडिंग के व्यूज हैं।